बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड ऑडियंस। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि बैच 7 से रिलेटेड है उसका सॉल्यूशन डिस्कवर करेंगे। ये जो आप मेरे सामने स्क्रीन पे जो सिनेरियो देख रहे हैं ये मुझे एज इट इज मेरे एक स्टूडेंट ने सेंड किया, तो मैं उसी को यूज़ करूँ उसका स्क्रीन शॉट। तो उसने अपने उसमें लिखा था, इसके अलावा कई वीडियोज भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चैनल डायरेक्ट सीनियरियो पे जाते हैं। एसएन इज अ मैनेजर ऑफ अ रिटेल स्टोर, कह रहे हैं एसएन एक रिटेल स्टोर का मैनेजर है। ही हैज हायर्ड यू एज अ सोशल मीडिया मैनेजर टू मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ हिज स्टोर, क्या उसने आपको जॉब दी है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर कि आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करें। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर योर टास्क इज टू अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट्स, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड अपलोड अ वीडियो। क्या आपका जो टास्क है उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके बाद एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है और एक वीडियो अपलोड करनी है विच इज इन लाइन विद हिज रिक्वायरमेंट, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट की मुताबिक हो। द सीक्वेंस कंटेंट एंड स्पेशल फीचर्स डेट यू वुड यूज विल बी कंसिडर्ड फॉर योर असेसमेंट, करें जो तरतीब है, कंटेंट है, जो मवाद है आपका और जो स्पेसिफिक फीचर हैं वो सब के सब जब आपकी असेसमेंट हो रही होगी एक्सरसाइज की वो सब के सब कंसिडर किए जाएंगे। तो टास्क क्या है हमारे पास, टोटल 5 टास्क हैं। क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड अपलोड चैनल आर्ट, YouTube चैनल क्रिएट करना है और चैनल आर्ट को अपलोड करना है। क्रिएट अ प्लेट लिस्ट बेस्ड ऑन द सिनेरियो, सिनेरियो की बेस पे आपने प्लेट लिस्ट क्रिएट करनी है। अपलोड अ वीडियो रेलिवेंट टू द सिनेरियो, सिनेरियो के रेलिवेंट या उसके मुताबिक एक वीडियो अपलोड करनी है। ऐड अ कार्ड टू क्रिएट अ पोल इन योर वीडियोज, और आपने एक कार्ड को ऐड करते हुए एक पोल को क्रिएट करना है। सेलेक्ट अ रेलिवेंट कैटेगरी फॉर योर वीडियो, और वीडियो के लिए जो आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है उसको आपने चूज करना है। तो चलें सुनिश्चित में बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, खासकर जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं कि काइंडली न सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन के बटन को हिट करने के साथ साथ ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम शूट कर सकें। तो चलें अपने पहले टास्क की तरफ जाते हैं, YouTube चैनल क्रिएशन एंड अपलोड चैनल आर्ट। तो मैं अपने Facebook पे जाता हूँ, ये मैंने अपना चैनल खोला हुआ है जो मेरी एग्जिस्टिंग आईडी के साथ है, इस पर मैंने कोई चैनल नहीं क्रिएट किया। तो फर्स्ट टाइम क्रिएट करूँगा, तो जैसे ही मैं आपके सामने इसको क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखें क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ चैनल, और सेटिंग में भी जाके आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट करूँगा, बटन क्रिएट का चैनल बटन करके योर क्रिएटर जनरेट बिगेन्स आपके पास आएगी, तो आप कह रहे हैं गेट स्टार्टेड। तो कह रहे हैं यूज योर नेम और यूज अ कस्टम नेम, आपके पास दो ऑप्शन है, जो आपका नाम है जो मैंने अपने ईमेल आईडी का रखा हुआ है वो यूज कर सकते हैं या कोई आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपना चैनल क्रिएट कर रहे हैं, अगर उनकी आईडी पे ऑलरेडी कोई चैनल मौजूद है और वो कोई नया चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये उससे टोटल डिफरेंट होगा, वो थोड़ा सा इससे ईजी है, वो डायरेक्ट आप उसके असेस में चले जाएंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ सेलेक्ट पे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखें वो मुझे कहाँ ले आया, क्रिएट योर चैनल नेम। तो मैं यहाँ अपना चैनल नेम रखता हूँ क्या इसहाक फैशन सेंटर। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है क्रिएट योर चैनल नेम, आपने क्या करना है। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग अ न्यू गूगल अकाउंट विद दिस विद इट्स ओन सेटिंग्स, इसको मैंने क्लिक किया यस पे, और जब तक आप इसको चेक मार्क नहीं करेंगे तो ये आगे मूव नहीं करेगा। तो क्रिएट मैंने कर दिया हाँ जी कि मैं इसके साथ इसको ओपन कर रहा हूं।
अगर आप अपलोड प्रोफाइल पिक्चर तो आपको ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो अब भी चलेगा। तो इसके नीचे आप कह रहे हैं जी चैनल डिस्क्रिप्शन, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। कस्टम लिंक है अगर आप कुछ देना चाहें, ऐड लिंक टू योर साइट फेसबुक वगैरह जो आप देना चाहें ठीक है, लेकिन सेव एंड कंटिन्यू ये आप सेटअप आप लेटर भी कर सकते हैं। सेटअप लेटर मैं इस पर क्लिक करूँगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्टली किस में आ गए हैं, ऑर्गेनाइज योर चैनल पेज, ऐड और अपडेट योर चैनल बैनर एंड मोर, गॉट इट। तो मैंने क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियोज में मैंने नहीं जाना, मैं कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करूँगा ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से बना सकूँ एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास चैनल तो क्रिएट हो गया है, किसके नाम से, इसाक फैशन पॉइंट के नाम से। तो मैंने क्या करना है कि अब मैंने चैनल, ये मेरा उसका नाम है इसाक फैशन सेंटर, तो अब मैंने ऐड चैनल ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ऐड चैनल ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा और आपके सामने एक नई वीडियो ओपन हो जाएगी, अपलोड अप फोटोज़। तो मैं अपलोड अप फोटोज़ पे क्लिक करूँगा ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूँ। यहाँ क्लिक करें, सेलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहाँ से मैंने पहले ही एसएन फैशन सेंटर के नाम से एक जो पिक्चर है या इमेज है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, ये अनसब्सक्राइब.com है, सॉरी मैं पहले इसको अपलोड कर लूँ। ये देखें इसका साइज बता रहा है 25/1140, ये चैनल आर्ट का स्टैंडर्ड साइज है, आपने इसी साइज का इमेज लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये मैंने जो पिक्चर या इमेज ली है ये फ्री है, इस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो ये कहाँ से ली है वो साइट भी मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है unsplash.com, वहाँ जाके आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। तो ये आपको बता रहा है डेस्कटॉप पे ये ऐसे दिखेगी, टीवी पे ये ऐसे दिखेगी, मोबाइल पे ये ऐसे दिखेगी। तो एडजस्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है मुझे सही लग रहा। ये बीच में दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेव। तो देखें मेरा चैनल आर्ट आ गया, यहाँ आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो अब मेरी ये पहली टास्क कंप्लीट हो गई, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के आपके पास कई तरीके हैं, आप ये स्पिनिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, आप ये एक टूल है स्क्रीनशॉट का वो यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रीन क्या कहते हैं प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा आपके डेस्कटॉप पे, या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन के बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास इमेज आ जाएगा। दूसरा जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ शिफ्ट विंडोज एस को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो आप इसको ओपन करके विद चैनल आर्ट के साथ इसको इसका स्क्रीन शॉट ले लें। तो ये मैंने स्क्रीन शॉट लिया और इसको जाकर अपनी एक्सरसाइज वाली फाइल पे पेस्ट करता हूँ। तो दूसरी टास्क क्या है मेरी, मैं अब दूसरी टास्क की तरफ जाता हूँ। तो मैंने कॉपी किया, टास्क टू लिखी और जाके मैं देखता हूँ टास्क टू में क्या है। क्रिएट अ प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन द सिनेरियो, स्क्रीनशॉट ऑफ क्रिएटेड प्लेलिस्ट। तो मैं प्लेलिस्ट पे जाता हूँ अपने चैनल को कंप्लीट करने के लिए, उसके टास्क को पूरा करने के लिए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से दोबारा मैं वापस जाऊँगा और जाने के बाद YouTube स्टूडियो पे क्लिक करूँगा
ये आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, तो आप देखते हैं, लर्न मोर कर लेते हैं इसको। तो मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से। तो अब हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं प्लेलिस्ट के बटन पे जाके क्लिक करूँगा जो आपके लेफ्ट कॉर्नर पे है, और लाइव इन बिटवीन वीडियोस एंड एनालिटिक्स, यहाँ पे क्लिक करें आप। तो आपके पास देखें, इस वक्त मेरे पास कोई प्लेलिस्ट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है, फर्स्ट टाइम है, और इस आईडी पे कोई पहले चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे करूँगा न्यू प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट का नाम मैं लिखूँगा जी विमेन लेदर जैकेट्स। और मैं इसको क्रिएट कर लूँ। जैसे क्रिएट करूँगा तो आपके सामने देखें, मेरे पास विमेन लेदर जैकेट्स के नाम से ये प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और वहाँ प्लेस कर दूँगा टास्क। तो मैंने क्या किया, और यहाँ मैंने प्लेस कर दिया उसको, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि वहाँ सेटिंग में थोड़ा सा आ जाए। तो टास्क टू हमारे पास कंप्लीट हो गई। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे वाले पेज पे लेके जाता हूँ टास्क थ्री कंप्लीट करने के लिए। टास्क थ्री क्या है हमारे पास, अपलोड अ वीडियो रेलेवेंट टू दिस सिनेरियो। हमने वीडियो को अपलोड करना है, तो चलें अपने यहाँ लिखते हैं स्क्रीनशॉट ऑफ अपलोडेड वीडियो। तो वापस अपनी YouTube चैनल पे जाते हैं जो हमने नया बनाया है। तो अब हमने अपलोड करना है, तो हम कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ आपके पास देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ वीडियो, और कैमरा के निशान पे जाके आप क्लिक करेंगे, प्लस लिखा हुआ है, तो आपके पास अपलोड अ वीडियो या गो लाइव। तो मैं अपलोड अ वीडियो मैंने करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क नंबर थ्री। अब मैं आपको बताता चाहूँ कि ये मैंने फ्री वीडियो कौन से है अपलोड की, आफ्टर डाउनलोडिंग फ्रॉम अ फ्री वेबसाइट, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले मैं उस वीडियो को कर लूँ, ये है मैंने लिखी हुई ह्यूमन ब्राउन जैकेट, उसको मैंने क्लिक किया और अपलोड कर दिया। अब मैं बताता हूँ वो कौन सी साइट है जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया, इसका लिंक वैसे मैं दे दूंगा, pexels.com इसका नाम है वेबसाइट का। आपके पास नीचे आए तो आपके पास देखें क्या होगा, होम डिस्कवर वीडियो लीडर बोर्ड चैलेंजेस, तो फ्री स्टॉक फोटोज भी आपके पास हैं, ये आपके पास वीडियोस भी देता है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वीडियोस पे, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी, इस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका, अगर मेरा तो क्लॉथिंग का स्टोर है, अगर आपका जनरल स्टोर है, या आपका कॉस्मेटिक का स्टोर है, या आपका मोबाइल एक्सेसरीज है, यानी किसी चीज़ से भी आपका जो स्टोर है वहाँ उसको लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास वीडियोस आएंगी। तो इसमें से मैंने लिखा था, तो मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे ओरिजिनल क्वाड HD और फुल HD। तो मैंने फुल HD में लिया है, क्वाड में नहीं लिया। और उसके बाद आप फिर डाउनलोड करेंगे तो फिर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप फिर डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे चैनल पे अपलोड हो रही है। तो अब मैं जाके देखता हूँ, तो ये देखें सारी की सारी वीडियो मेरी अपलोड हो गई है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ विमेन ब्राउन जैकेट्स, लेटेस्ट फैशन बाय साफ।
तंत्र। तो उसको आप यहाँ से क्या करें, कॉपी करें और यहाँ नीचे पेस्ट कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, सिलेक्ट करना है, डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है। तो आपने चैनल की जो आपने क्रिएशन की थी उसमें भी जाके सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने किसी चैनल पर ये सेटिंग नहीं करता। मैं हर वीडियो पे इसको अलाउ करता हूँ कि मुझे वो याद दिलाए, रिमाइंड करे कि ये वीडियो किड्स के लिए है कि नहीं है, इसको मैं यहाँ से करूँगा नो किड्स। और मोर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि पेड कंटेंट है या आपने नहीं लिखना, एज इट इज़ वीडियो में आप डालेंगे, टैग्स वगैरह आप डालेंगे, रिकॉर्डिंग डेट वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डालें। लाइसेंस है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, मैं इसको यूज़ करूँगा और ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं यूज़ करूँगा। तो मेरी वीडियो यहाँ अपलोड हो गई है, उन्होंने पब्लिश का नहीं कहा, अपलोड का कहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका ये वो ऑलरेडी थंबनेल यूज़ कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लूँगा ताकि मैं अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकूँ। स्क्रीनशॉट लिया, मैंने जाके यहाँ पेस्ट कर दिया तो मेरे पास टास्क 3 कंप्लीट हो गई। अब मैंने टास्क 4 यहाँ लिखने हैं तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और टास्क 4 जाके देखते हैं क्या करें। अपलोड एड कार्ड टू क्रिएट अ पोल इन योर वीडियोस। तो हमने क्या करना है जी, कार्ड को ऐड करना है, सॉरी ऐड कार्ड के जो हमारे पास पोर्शन है उसमें जाकर हमने पोल क्रिएट करना है, उसको हम क्रिएट करेंगे तो वो हम बाद में करेंगे। तो मैं पहले यहाँ लिखूँ स्क्रीनशॉट ऑफ लिख देता हूँ। तो मैं वापस अपने वीडियो पे जाता हूँ, देखें हमारे पास ये आ गया, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब क्योंकि ये फर्स्ट चैनल की फर्स्ट वीडियो तो ऐड इन स्क्रीन मेरे पास ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐड ऐड कार्ड्स पे जाके, जैसे मैंने ऐड कार्ड्स पे जाके क्लिक किया उसको मैं ऐड कार्ड के बटन पे क्लिक करूंगा और क्रिएट के पोल के बटन पे क्लिक करूंगा। पोल क्वेश्चन ब्राउन जैकेट बिल्कुल फुलफिल लिखे यस और यहाँ लिखे नो। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट मुख्तलिफ तरह की है, यानी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से, तो आप फर्दर अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड अनदर चॉइस का बटन ऐड करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्रिएट कार्ड। तो जैसे मैंने क्रिएट कार्ड लिखा तो मैं इसको ओपन करता हूँ, सॉरी एडिट करता हूँ। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट लिया मैंने इसका और
अपने फाइल में जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास टास्क नंबर 5 है। टास्क नंबर 5 क्या है जी, सिलेक्ट रेलेवेंट कैटेगरी फॉर यूट्यूब। अपने यूट्यूब वीडियो के लिए हमने रेलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ टास्क 4, कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, पेस्ट करने के बाद टास्क 5 स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेक्टेड वीडियो। चलें अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं और इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो, वापस बैक पे जाते हैं हम। और अब हमने यहाँ से कैटेगरी का ऑप्शन ढूंढना है, मोर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, देखते हैं हमारे पास कैटेगरी भी है। हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है, तो हमने किस में जाना है, कॉमेडी है, गेमिंग है, ट्रैवल है, इवेंट्स है, पेट्स है, म्यूजिक है, फिल्म है, एनिमेशन है, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स है, हाउ टू एंड स्टाइल, एजुकेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी है, नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म है। तो मैं हाउ टू एंड स्टाइल में जाऊँगा, मेरा फैशन से रिलेटेड है, तो मैं इस कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा तो अपनी फाइल पे वापस जाता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास कैटेगरी आ गई, स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेक्टेड कैटेगरी फॉर अपलोडेड वीडियो। तो मैं स्पेल ठीक कर लूँ। तो इस तरह हमारी तमाम 5 की 5 टास्क एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज का मैं लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, जो मैं ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।